धम्पत की गाथा का कथा 113 में आती है, जो सहस्वग्गो में है, 113 में पटाचारा। ये जो कथा है, कहानी है, बचपन से हम बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियों के मुंह से सुनते आ रहे हैं। अधिकतर कई कहानी जो बड़ी फेमस है उनका जिक्र होता है, पटाचारा है, किसा गौतमी है, और भी है, मगर पटाचारा की इसलिए कहानी बड़ी फेमस है क्योंकि इसमें दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। ये सावित्री की कथा है। सावित्री में एक बड़ा धनी परिवार रहता था। उस धनी परिवार में एक जो परिवार का मुखिया यानी कि जो नर था, एक उसकी पत्नी, एक उसकी पुत्री और एक उसका पुत्र। जो पुत्री होती है, जब वो विवाह के लायक हुई, शादी के लायक हुई, तो उसे अपने घर में काम करने वाले एक सेवक से प्यार हो गया, राग हो गया। राग तो बड़ा पावरफुल होता है। राग यहां तक बढ़ा कि उसने उसे शादी के लिए माँ बाप को बोला। माँ बाप ने पत्नी की यानी जो पुत्री थी वो इच्छा देखते हुए, परिवार में पत्नी से सब बातचीत करते हुए उसकी शादी उसने सेवक से कर दी। मगर सेवक बड़ा खुद्दार था। उसने शादी करने के बाद में कि कहीं ये ना समझे कि मैंने, मेरा जो प्यार है वो इसलिए है कि मैं इनकी धन दौलत की वैसे प्यार कर रहा हूं, उसने सावित्री को छोड़ दिया। और सावित्री छोड़ के वो सावित्री के बाहर चला गया और उसने कुछ उस धनी सेठ से लिया भी नहीं, क्योंकि दान दहेज की पहले कोई ऐसी परंपरा रही भी नहीं पूरे भारत में। तो अपना मेहनत करना, अपना खाना, सभी मेहनत करते थे, पत्नी भी और पति भी। काम ही ये था काम करने का, और कोई काम ही नहीं था। तो दूर जंगल में जाके उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, घर बनाया, और वहां फल फ्रूट जानवर जंगल जो कुछ इकट्ठा करते थे वही खाते थे, यही उनका जीवनचर्या थी। तो उसका जो पति था उससे उसका एक बेटा हुआ। उसके कुछ समय बाद एक पुत्र उसके और हुआ जो थोड़ा छोटा गोद में था। उस छोटा गोद में बेटा जैसे ही पैदा हुआ, यानी कि अभी 2-4 महीने का रहा होगा, एक दिन वो जंगल में जब साग सब्जी फल फ्रूट इकट्ठा करने जाता है तो सांप उसको डस लेता है और वो मर जाता है। शाम तक घर नहीं आता तो उसको वो घूमने के लिए देखने के लिए जाती है जो उसकी पत्नी होती है, और देखती है ये तो मरा पड़ा है। उस पर दुख का पहाड़ टूटता है। सुबह को वो ये सोच के कि अब मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी, मैं सावित्री जाती हूँ, वहीं मैं रहूंगी अपने माता पिता के पास में, बच्चा भी छोटा है। और बीच में एक गंगा पड़ती है। गंगा का मतलब होता है रिवर या नदी, यानी गंगा शब्द बार बार पाली में आता है। सारी रिवर जितनी गंगा है, जितनी भी नदियां हैं, उन सबको गंगा ही बोलते हैं, नाम बाद में पड़े हैं। तो वो उस गंगा को पार करती है, गंगा उथली है क्योंकि वहां जो पानी आता है उथला उथला आता है, ऐसी गंगा नहीं है वहां पे जो पहाड़ों के बीच चलती हूँ। तो वो देखती है कि दोनों बच्चों को एक साथ पार कराना मुश्किल है क्योंकि बड़ा बच्चा उठाया नहीं जा सकता और गोद में उठाना पड़ेगा, और छोटा बच्चा छोटा है उसे भी गोद में उठाना पड़ेगा, दोनों बच्चों को गोद में उठा के पार नहीं कर सकती। तो वो बड़े बच्चे को वहां बैठा के और छोटे बच्चे को लेके जाती है। जब वहां जाती है पार करती है तो पार करते समय उस छोटे बच्चे को दूसरे पार में पत्तों पर लिटा देती है और दूसरे बच्चे को लेने के लिए जाती है। जब वो दूसरे बच्चे को के लिए लेने जाती है तो देखती है कि जो उसका छोटा बच्चा है, क्योंकि माँ है तो दोनों तरफ उसकी आंख है, इधर छोटा बच्चा है उधर बड़ा बच्चा है, तो वो देखती है कि छोटे बच्चे पे एक बाज झपटा, क्योंकि छोटा बच्चा है 2-4 महीने का है, और उसको उठा के ले गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पानी के बीच में थी, मझधार में, भाग सकती नहीं थी और बाज कहां सुनने वाला था। तो उसने दोनों हाथों से, जैसे होता है बाज को या पक्षी उड़ाने की मुद्रा होती है, ऐसे वो चिल्ला रही थी जोर जोर से पाल उतरे। तो दूसरे तट पे जो बच्चा था उसने समझा कि माँ बुला रही है हाथ के सारे से और चिल्ला के बुला रही है, और वो माँ की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो पानी में माँ की तरफ दौड़ा, जो गंगा थी उसको भी बहा के ले गई। इधर बाज ले गया छोटे बच्चे को, उधर बड़े बच्चे को गंगा बहा के ले गई, और वो खाली हाथ रह गई। पति चला गया, सांप ने डस लिया, तीनों उसका परिवार उजड़ गया। वो पागलों जैसी स्थिति में हुई, गंगा पार करके सावित्री की तरफ चलने लगी। तो पता चला कि सावित्री सारा उजड़ा पड़ा है, वहां महामारी आई हुई है, और महामारी से उसका जो परिवार है, जो उसका पिता, उसकी जो माता और उसका जो भाई था, वो सारे मर गए और सारा सामान खुदबुद हो गया, वहां कुछ नहीं है। ये सुन के कि उसका सारा परिवार, उसका मायका, उसका पिता सब और वो अकेली रह गई, सारे जितने भी दुख की वेदनाएं थी, जितना दुख था शरीर में, सारा का सारा एक साथ उस पर आ गया, कहर हो गया, और वो उसको झेल नहीं पाई, ज्यादा दुख को झेल नहीं पाई। तो उसका जो मन मस्तिष्क था, जो मन था उसका, वो विचलित हो गया
दुख के मारे और वो पागलों जैसी स्थिति में हो गई। वो दर दर घूमती रही जब तक कपड़े रहे तन पे, जब तक कपड़े रहे, और जब वो फट गए तो फट गए। उसे यही होश नहीं रहा कि उसके कपड़े हैं या नहीं है। बाल उसके बिखरे हुए और वो गांव गांव जाती, कहीं कोई फल मिल गया खा लिया, कहीं कोई पानी मिला पी लिया। बच्चे उस पर ईंट और पत्थर मारा करते थे, बावली बावली पागल पागल कहकर उसके पीछे दौड़ा करते थे। ऐसी सावित्री में दौड़ते दौड़ते वो एक बार भगवान के विहार जैतवन के आसपास पहुंची और वहां उसने देखा कि बड़ी शांति है विहार में। वो थोड़ा झांक के उसने देखा, बहुत सारे लोग बैठे हैं मगर शांति है। उस शांति की तरंगों से, उस जो सुरक्षा की तरंगें थी, जो सुरक्षा का वहां माहौल था कि इतने सारे आदमी बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, एक अजीब सा शांति प्रिय वातावरण है, उसको थोड़ी शांति मिली। शांति मिली, वो वहां जाके बैठी। बुद्ध की जो दिदेशना थी वो चल रही थी, वहां पे बातें चल रही थी, उन बातों को वो थोड़ा सुना। भगवान बुद्ध ने इशारा किया, किसने उसको छेड़ा नहीं। एक भिक्कू ने लाके उसके ऊपर एक जो पट डाल दिया, पटा माने पट माने होता है वस्त्र होता है, और चार माने डालना होता है, एक्शन करना होता है, यानी कि पट का चार कर दिया, पट को डाल दिया, वस्त्र को उसके ऊपर डाल दिया, चीवर रहा होगा कपड़ा रहा होगा वो डाल दिया उसके ऊपर, तो उसका नाम पटाचारा पड़ गया। बात सुनी, ध्यान में आई तो थोड़ी सी उसका जो मन हल्का हुआ। फिर उसे पूरा होश आया कि उसके पास तो वो कपड़े नहीं है। वो बड़ी सबचाई कपड़े को लपेटा उसने, भगवान के चरणों में जाके पड़ी। भगवान ने उसकी स्थिति को, मन की स्थिति को समझा। मन की स्थिति को समझने के बाद में फिर देशना हुई। देशना में भगवान बुद्ध ने कहा कि उसका नाम अब पटाचारा पड़ गया था। पटाचारा, दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं जाता, कोई किसी का दुख में साथी नहीं है, हर एक व्यक्ति को अकेले ही जाना होता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर पुत्र मरता हो तो उसकी जगह माँ ये कह दे कि मैं मर जाऊं मेरे पुत्र को जीवित हो, या आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई ये कहे कि अगर ये मर रहा है तो मैं भी साथ इसके साथ मर के इसको बचाने के लिए जाऊंगी। जो व्यक्ति आता है, ये रिश्ते नाते सब यहीं तक के हैं, जाना भी अकेला है, आना भी अकेला है। तू जरा होश करके देख, तू कितनी बार रोई है, ये पहली बार नहीं रोई है। हर भव में, हर जन्म में, हर चक्र में तू रोई है, क्योंकि हर जन्म जो होता है वो दुख से शुरुआत होता है। व्याधि है, दुख है, जरा है, जन्म है, यानी कि जात है, यानी कि जन्म लेना भी दुख है, जो बुढ़ापा है वो भी दुख है, जो मरण है वो भी दुख है, और जो जरा है, जो मृत्यु है वो भी दुख है। तो ये सब दुख ही दुख है, और तू कब से दुख को ढो रही है, जरा होश कर, इन दुखों से मुक्त हो, इन दुखों से मुक्ति पा। ऐसा उसको देशना देके धीरे धीरे उसको होश आता है। होश आने के बाद में फिर वो भिक्कुनी संघ में शामिल होती है, पवज्जा में आती है। उसे समझ में आता है कि जीवन में जो पैदा होता है उसे जाना ही होता है। कभी कभी बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं, कभी कभी एक एक करके अपनी नेचुरल डेथ में, मौत में जाते हैं। इस सब के रीजन हैं, इस सब के कारण हैं, ये सब हेतुवाद में आता है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, कॉज एंड इफेक्ट है। हर डेथ का और हर जन्म का एक कारण है, उस कारण का एक तरीका जो भगवान बुद्ध ने बताया है। वो बताते हैं कि देख कैसे ये काम करता है, उसको पटिच्च समुत्पाद पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, जीवन दिखाते हैं, जीवन का दर्शन होता है, उसकी आंखें खुलती हैं, उसे चक्षु मिलते हैं, और वहाँ वो भिक्कुणी होकर अपने जीवन को काटती है, और उसके बाद वो पूरा जीवन लोगों की सेवा में और लोगों को धम सिखाने में लगाती है। ये जो पटाचारा की कहानी है, कहानी कोई भी आपको बदल के सुना सकता है, क्योंकि कहानी शब्द शब्द बिल्कुल वर्ड वर्ड याद नहीं रहती, मगर इसका जो सार है वो यही है। तब भगवान बुद्ध ये गाथा कहते हैं, जो गाथा नंबर 113 है, 113। यो च वस सतंग जीवे एपसंग उदय व्यंग एकाहंग जीवितंग सेयो पस तो उदय व्यंग। यो चे वस सतंग जीवे, यानी कि यो चे माने जो, चे माने और जो कोई अगर पूरे 100 वर्ष तक जीवे, कैसे जीवे, ए पसंग उदय व्यंग। ए पसंग माने पस, माने होता है देखना, पसना माने होता है विपसना, जो शब्द बना है विपसना माने तो होता है गहरता से देखना, पसना माने देखना, और ए पसंग माने बिना देखे को, यानी कि जो देखता नहीं है, किसको, उदय व्यंग, उदय व्यंग यानी उदय और व्यय को, यानी कि जो दुख, जो पाप उदय हो रहा है, आ रहा है, और जो जो हमारी जो पुण्य है वो व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, या जो पुण्य आ रहा है और जो पाप जा रहा है, यानी कि जो पाप को और पुण्य को आता जाता नहीं देखता है, उसका 100 साल तक भी जीना बेकार है। किसके मुकाबले, यदि कोई सिर्फ एक बार ऐसा जी ले,
कैसा जिले, पश्चतो उदय व्यंग, यानी पश्चतो यानी देखने वाला, उदय व्यंग यानी पाप को और पुण्य को आते जाते देखने वाला, अगर एक बार इसको देख ले तो उसका जीवन ज्यादा श्रेष्ठ है, बशर्ते इसके कि जो कोई 100 साल तक जिए और पाप को पुण्य को आता जाता ना देखे। ये जो उदय व्यंग शब्द है, इसमें उदय और व्यय होना, ये बड़ा गंभीर शब्द है। इसको साधारण तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि पाप का आना पुण्य का आना, पाप का जाना पुण्य का जाना, देखना हो देखें कि भाई कितना पाप हमने किया कितना देखें, मगर देखे कैसे आदमी, देखे कैसे, क्योंकि देखना अगर आता नहीं है तो वो देख नहीं पाएगा। और देखने का रास्ता तो प्रैक्टिस में है, देखना का रास्ता तो विपस्ना में है। क्या उदय होता है और क्या व्यय होता है, कैसे ये आता है कैसे जाता है, इसको आप ठीक ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं किसी के यहाँ गए और आपने के मन में लालच आया कि इसका मोबाइल बहुत अच्छा है और इसका मोबाइल चोरी कर लिया जाए, या इसका ये पेन बहुत अच्छा है पेन चोरी कर लिया जाए, या इसका ये की रिंग बहुत अच्छा है चाबी का छल्ला बहुत अच्छा है ये चोरी कर लिया जाए। जैसे ही ये पाप मन में आता है वैसे ही आपके शरीर में कुछ कुछ होने लगता है, हाथ कांपेंगे, आवाज बदल जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आंखें लुप लुप झपझप करेंगी, अब ध्यान चोरी में है बातों में ध्यान नहीं है, कहीं कुछ और चित्त में चल रहा है मन में चल रहा है। और जैसे ही आप इस विचार को छोड़ देंगे कि नहीं मुझे नहीं चुराना है मैं नहीं चोरी करूंगा, तो वैसे ही आप शांत हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, आपके दिल की धड़कन ठीक हो जाएगी, आपको सब अच्छा लगने लगेगा और सामने वाले की आपकी बातें भी सुनाई देने लगेंगी और आपके चेहरे पे स्माइल और खूबसूरती भी आने लगेगी। यानी कि ये जो देखा आपने कि चोरी करते ही कितना बदलाव हो गया और चोरी का विचार छोड़ते ही कितना बदलाव हो गया, इसको देखना बोलते हैं। ये देखना छोटी छोटी घटना है जो जीवन में देखते हैं, मगर अगर इसको संपूर्ण रूप से पूरा देखना हो तो विपस्सना साधना करनी चाहिए, जो एसएन गोयनका जी सिखाते हैं। एसएन गोयनका जी तो अब नहीं है, मगर वो प्रैक्टिस भगवान बुद्ध की है जो बर्मा के थ्रू यहाँ आई है, वो करें, वो बिल्कुल शुद्ध है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami.
मिठटार बिर मन सिखा बधुस्मादियामी कामेश मिठटार बि